अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वन इकोसिस्टम में जो है केवाईसी किस तरह की जाती है। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए ताकि आप भी अपने अकाउंट की केवाईसी कर सकें इस वीडियो को देखने के बाद। जी तो दोस्तों, सबसे पहले हमने वन इकोसिस्टम पोर्टल डॉट वन इकोसिस्टम डॉट ईयू की वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट पर जाने के बाद जो है हमने साइन इन पर क्लिक करना है। साइन इन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है डैशबोर्ड शो हो जाएगा। यहाँ पर ईमेल लगानी है सबसे पहले, उसके बाद पासवर्ड हमने लगाना है। पासवर्ड लगाने के बाद सिंपली हमने साइन इन पर जो है क्लिक करना है। चलें दोस्तों, मैं ना अपना जीमेल अकाउंट जिसकी केवाईसी करनी है, एक दोस्त है उनका करना है, तो वो मैंने ऐड कर लिया है। तो अब साइन इन पर क्लिक करते हैं। साइन इन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है अकाउंट का डैशबोर्ड शो हो जाएगा हमारी आईडी का। जी तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये अकाउंट का डैशबोर्ड शो हो गया। इसमें लिखा हुआ आ रहा है कि वेलकम बैक इमरान, यानी ये इमरान भाई का अकाउंट है। उन्होंने हमें केवाईसी करने के लिए दिया हुआ है, तो आज हम इसकी केवाईसी करेंगे। सबसे पहले आपको जो है डैशबोर्ड का विज़िट करवाता हूँ। डैशबोर्ड पर कौन कौन सी जो है चीज़ें हैं। स्टार्टर पैकेज है इमरान भाई का, तो इसमें जो स्टार्टर पैकेज में जो है उनके पास 51 कॉइन है और 500 गैस हैं, ठीक है, जो कि कॉइन ट्रांसफ़र की फ़ीस के तौर पर इस्तेमाल होंगे। तो चलें अब हम केवाईसी में करने के लिए जाते हैं। हम ये मैंने केवाईसी का माय प्रोफाइल ओपन कर लिया। स्टार्ट वेरिफिकेशन, नो पर क्लिक करते हैं। जी तो दोस्तों, स्टार्ट वेरिफिकेशन पर क्लिक करने के बाद हमें आ गया कि नॉर्मल वेरिफिकेशन जो है वो 7+ बिजनेस डेज में होगी, ठीक है जी, और ये हर बंदा कर सकता है, यानी कि विदाउट फीस केवाईसी होगी। अगर आपके डॉक्यूमेंट क्लियर हैं, तो आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं तो विदाउट फीस। तो जी दोस्तों, ये हमारे जो है इन्फॉर्मेशन शो हो गई है कि क्या क्या ऐड करना है। ये फॉर्म शो ओपन हो गया है। सबसे पहले हमने फर्स्ट नेम, उसके बाद लास्ट नेम, फिर डॉक्यूमेंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ और डॉक्यूमेंट्स की एक्सपायरी और डॉक्यूमेंट्स की जो है इशू डेट, अपना कंट्री, सारा कुछ सिलेक्ट करना है। तो ये मैंने जो है ये सारा कुछ जो है ऐड कर लिया है। इसके साथ ही आपने जिस शहर में आपकी पैदाइश हुई है वो शहर भी सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है कि आपने आईडी कार्ड पर वेरिफिकेशन करनी है या लाइसेंस पर करनी है। तो दोस्तों, मैंने सिलेक्ट कर लिया है। आईडी कार्ड सिलेक्ट करने के बाद मैंने अपने डॉक्यूमेंट, आईडी कार्ड का फ्रंट और आईडी कार्ड की बैक की पिक्चर जो है वो ऐड कर ली है। अब हम अपलोड पर क्लिक करते हैं। अपलोड पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं वेटिंग फॉर कंफर्मेशन लिखा हुआ आ रहा है। अभी कुछ ही देर में जो है ये कंफर्म हो जाएगा। देखें, अपलोड सक्सेसफुल, ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप पर जाने के बाद जो है प्रूफ ऑफ एड्रेस के डॉक्यूमेंट अपने अपलोड करने हैं। फुल एड्रेस जो है आपका है वो, कंट्री कौन सा है, पोस्टल कोड, जिस सिटी में आप रहते हैं वो आपने लिखना है, और अपने शहर का नाम लिखना है। उसके साथ शहर का नाम लिखने के बाद आपने सेलेक्ट करना है कि आपने कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। यहाँ पर बहुत से ऑप्शन आ रहे थे, स्टेटमेंट, अपने बिजली बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फ़ोन बिल और मुख्तलिफ। तो हमने बोथ साइड ऑफ नॉन एक्सपायर्ड नेशनल आईडी कार्ड, आईडी डॉक्यूमेंट जो है वो हमने सेलेक्ट करके दोनों आईडी कार्ड की दोनों साइड्स को ज्वाइंट करके हमने अपलोड कर दिया। अपलोड करने बाद वेटिंग फॉर कंफर्मेशन के बाद ये देख सकते हैं सक्सेसफुली अपलोड डॉक्यूमेंट। इसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि आपके अकाउंट में लिखा हुआ आ रहा है कि इन रिव्यू, कि एप्लीकेशन आपकी इन रिव्यू, अंडर रिव्यू है, ठीक है। जब तक अंडर रिव्यू रहेगी आपका अकाउंट नॉट वेरीफाइड शो होगा। जैसे ही आपका अकाउंट
वेरीफाई होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ अपना अकाउंट जो वेरीफाई है, उसमें आप देख सकते हैं कि अंडर रिव्यू नहीं लिखा हुआ, नॉट वेरीफाइड भी नहीं लिखा हुआ, बल्कि वेरीफाइड लिखा हुआ है क्योंकि वो अकाउंट वेरीफाई हो चुका है जी। तो दोस्तों मैं अभी अपना अकाउंट जो है ओपन करता हूँ जो वेरीफाइड है जी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये मैंने अपना अकाउंट ओपन कर लिया, इसमें वेरीफाइड लिखा हुआ आ रहा है। मैंने भी सिंपली आईडी कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो मैंने अपलोड किया था, ठीक है। यहाँ पे वेरीफाइड लिखा हुआ आ रहा है, तो हमारी केवाईसी यानी कि मेरे अकाउंट की होगी। इस तरह जब स्टेटस शो होगा तो आपके अकाउंट की केवाईसी हो जाएगी, और जो जो आपने डॉक्यूमेंट सेंड किए हैं उनके सामने आपको लिखा हुआ मिलेगा कि अप्रूव्ड। इसका क्या मतलब है कि आपके डॉक्यूमेंट जो है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए हैं और आपकी केवाईसी अप्रूव्ड कर दी गई है, वेरीफाइड है आपका अकाउंट। अब आपको किसी किस्म की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा अकाउंट बंद ना हो जाए या हमारा अकाउंट का मसला ना बन जाए जी। तो दोस्तों वीडियोस देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।